सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की मौत, पिछले 10 दिनों से बैठे थे धरने पर। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान की मौत की खबर मिल रही है। मृतक का नाम अजय मोर था। मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय अजय की ठंड लगने से मौत हुई है। अजय का शव ट्रैक्टर ट्रॉली से मिला है। बताया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान अजय इसी ट्रॉली में सोए थे। अजय मोर सोनीपत के गोहर के रहने वाले थे। वो पिछले 10 दिनों से अपने गांव वालों के साथ सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। अजय के परिवार में 3 बच्चे, पत्नी और बुजुर्ग माँ बाप हैं। अजय मोर अपने गांव में किसानी करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आंदोलन कर रहे कई किसानों के तेज बुखार होने की खबरें मिलने के बाद कि सोनीपत के DM ने उनका कोरोना वायरस टेस्ट करवाने की निर्देश दिए। बता दें कि दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मांगे पूरी न होने की वजह से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान सड़कों पर ही सोने को मजबूर है। कई संस्थाएं किसानों की मदद को आगे आए हैं और उन्हें ठंड से बचाने के लिए रजाई, गद्दे, कंबल आदि मुहैया करवा रही हैं। कई किसान अपने साथ लाई गई ट्रैक्टर ट्रॉली पर सोकर रात बिता रहे हैं। कुछ जमीन पर ही गद्दा बिछाकर सो रहे हैं। किसानों के स्वास्थ्य के मद्देनजर बॉर्डर पर स्वास्थ्य शिविर भी चलाए जा रहे हैं।